Myself, Dr. Vishal Kumar Sharma, Assistant Professor in the Department of Physics, School of Sciences, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital. So I am going to discuss here the topic nuclear size and shape. Let us discuss in what is the nuclear size and shape. Let us discuss it. So what is the basic nucleus? You can just say that when we have discussion about the atom, basic constituent. दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में जनरली एट द सेंटर दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज विच इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्ट देयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट यू कैन जस्ट से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जस्ट रिवॉल्व अराउंड द पर्टिकुलर एटम. सो यू कैन जस्ट से पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं वो रिवॉल्व करते हैं. सो दिस एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द न्यूक्लियर साइज वॉज प्रोवाइडेड बाई रदरफोर्ड इन वी कैन जस्ट से एन इंसिडेंट एल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाई ए टारगेट न्यूक्लियस इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद द कूलम्स लॉ. दिस इज प्रोवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन देम एक्सीड बाई 10^-14 m एंड इन दिस कॉन्सिक्वेंस फॉर द स्मॉलर सेपरेशन कूलम लॉ इज नॉट ओबेड बिकॉज द न्यूक्लियस नो लॉन्गर अपियर्स एज ए पॉइंट चार्ज टू द एल्फा पार्टिकल. सो फॉर द स्मॉलेस्ट डिफरेंशन जो आप कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें इट इज नॉट अबेट बिकॉज द जो उस केस में न्यूक्लियस होता है नो लॉन्गर अपीयर्स एज ए पॉइंट चार्ज टू द एल्फा पार्टिकल. सो फॉर द डिटर्मिनेशन दिस वी हैव टू टाइप ऑफ द स्कैटरिंग. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग. वॉट इज जनरली बेसिक पर्पज ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग यू कैन जस्ट से दिस मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज रेडियस इन ए न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन रेडियस हमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज रेडियस जो है न्यूक्लियस के अंदर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ऑन द अदर हैंड वी हैव न्यूट्रॉन स्कैटरिंग. न्यूट्रॉन स्कैटरिंग दिस मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस और न्यूक्लियर मैटर जो न्यूक्लियस के अंदर है वो हमें बताता है क्या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग. नाउ यू कैन जस्ट से प्रैक्टिकली द चार्ज रेडियस कैन बी टेकन एज इक्वल्स टू द पोटेंशियल रेडियस बिकॉज द सेंटर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द न्यूक्लियॉन डिस्ट्रीब्यूशन आर एज्यूम टू कोइंसाइड इन बोथ द केसेज आइदर यू जस्ट डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एंड द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग. इन द बोथ द केसेज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अंडर स्टडी. इन दिस केस अनलाइक द एटम द न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री. न्यूक्लियस के पास पर्टिकुलरली शार्प बाउंड्री नहीं होती. बट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी हैव शोन दैट एंड वॉट वी हैव फाउंड दैट न्यूक्लियस इज शेप्ड लाइक ए स्पीयर. न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्पीयर की तरह होता है विथ ए रेडियस वो डिपेंड करता है दैट डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियाइड. न्यूक्लियाइड इज वॉट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट इज कंबाइंडली कॉल्ड द न्यूक्लियाइड. नाउ इन जनरल वी डिस्कस हियर द शेप. अगर हम शेप की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज जस्ट राउंड लाइक ए शेप ऑफ द स्फीयर. तो इन दिस कॉन्सिक्वेंट नाउ द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इट कंटेंस वर्ड एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज आई वर्लियर स्टेटेड दिस इज डिटरमाइंड द मास नंबर. नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस दिस न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंडली कॉल्ड द मास नंबर. दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी नियरली द सेम इन द इंटीरियर ऑफ द ऑल न्यूक्लियाई. सो इन दिस कॉन्सिक्वेंस वी कैन जस्ट से वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज जस्ट सपोज टू बी शेप्ड लाइक ए स्फीयर. And suppose we are imagining a sphere which have the radius r. This is given by what is the volume of the sphere. It is generally the formula we all have studied. This v is equals to 4/3 πr³. What is r? This is capital R. This is the radius of that particular sphere. So as we have already known that from the above discussion that volume of a nucleus is directly proportional to the number of nucleons it contains. This is the mass number. So we can just say this volume is directly proportional to the mass number. What is the mass number here? This is A. So we have simply we can write 4/3 πr³ is directly proportional to the mass number. This is A. Or generally r³ this is proportional to A because 4/3 and pi these are the constants. So we in general we can just write from this we have the nuclear radius this r this is equals to r naught
a raised to the power 1 by 3 here. If you just solve this equation, we have the nuclear radius by given by this formula, r equals to r naught a raised to the power 1 by 3. Where r naught, this is called the proportionality constant. And what is this value? This is r naught, this is equals to 1.2 raised to the power 10 to the power minus 15 meter, or in general this is called 1.2 Fermi, or it is called femtometer. FM जो यहाँ पर है, generally मैंने लिखा है, this is called femtometer. Or in short, this is Fermi, Enrico Fermi, on the basis of the name scientist Enrico Fermi के नाम पर हमने इसको दिया है नाम Fermi. In short, यह one Fermi की जो एक actual value होती है, this is 10 raised to power minus 15 meter. So this is the about nuclear size. So we are also discussing the some of the numerical which are asked. Either you just prepare for GATE, CSIR, NET, JEST, BARC, IIT JAM, other competitive exams की जो तैयारी कर रहे हैं, जो JAM की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत useful discussions I am also going to discuss here. So for example, if we just said that determine the radius of carbon nucleus. What is the carbon? 6C12 nucleus. What is 6? This is the atomic number. What is 12? This is the atomic weight. So we have nuclear radius, this r equals to r naught a raised to power 1 by 3. What a here? A is 12 here. So simply by utilizing this formula and keeping the value of this proportionality constant, you can calculate the nucleus radius, and it just comes out to be 2.7 Fermi. Suppose the questions are asked in different manners. अगर क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछे जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ होलोनियम जिसका एटॉमिक वेट जो होता है 165 होता है इज गिवन टू यू, एंड सपोज दिस इज 7.731 फर्मी, इट इज गिवन टू यू क्वेश्चन. नाउ इट इज आस्क्ड दैट रिड्यूस द रेडियस ऑफ हीलियम 4 न्यूक्लियस. तो जनरली आप क्या करेंगे, जस्ट कंसिडर आर 1 रेडियस किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, सपोज फॉर द होलोनियम 165 के लिए, R2 जो रेडियस निकालनी है सपोज उसको मान लीजिए, किसके लिए, हीलियम 4 न्यूक्लियस जो इस क्वेश्चन में पूछा गया. तो सिंपली R1 कैन बी रिटन एज R0 A1 रेज टू पावर 1 बाई 3, एंड R2 दिस इज यू कैन जस्ट राइट R0 A रेज टू पावर A2 रेज टू पावर 1 बाई 3. सो यू जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशन, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1, R1 को R2 से डिवाइड कर दीजिए, देन R naught, this is a proportionality constant, it is appearing in the both the equations, so it is going to be cancelled out, and we are left with the result R1 upon R2, this is equals to A1 upon A2 raised to the power 1 by 3. So if we just solve it, simply this answer comes out to be 2.238 Fermi. So this is the questions simply asked in various examination. For an example, determine the stable nucleus that has a radius 1/3 that of osmium 189. So this type of the questions आपसे पूछे जाते हैं competitive exams में. तो nuclear radius के लिए जो formula है, जो मैंने अभी बताया था, simply आपको formula पता है, this is r equals to r naught a raised to power 1 by 3 here. तो simply आपको इस question में कहा गया कि determine the stable nucleus, which one is the stable nucleus जिसका radius क्या है, 1/3 of that of osmium 189. तो दिस इज गिवन टू यू, आप इसको 1/3, दिस इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर ऑफ ऑस्मोनियम, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए ऑफ ऑस्मोनियम 1 रेज टू पावर 1/3, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन 189 रेज टू पावर 1/3. अगर इसको सॉल्व करें, क्योंकि उसका दिया हुआ है रेडियस कि ऑस्मोनियम का जो रेडियस है 1/3 ऑफ ऑस्मोनियम के कंपेयर में है, तो ए इज इक्वल्स टू 189 अपॉन 27, दिस इज इक्वल्स टू 7. अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करने का है केमिकल एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखना पड़ेगा आपको एटॉमिक नंबर्स, जो एटॉमिक वेट है, जो मास नंबर जो 7 है किसको करेस्पॉन्स करता है. अगर आप याद करें 3Li7, दिस करेस्पॉन्स टू यू कैन जस्ट से 7 corresponds to the lithium. So the most stable nucleus, this is the lithium here. तो इस तरह से आप questions को study कर सकते हैं या questions को solve कर सकते हैं. For example, I am just taking another example जो competitive exam में पूछा गया है. A nucleus with the atomic number 235 splits into two nuclei whose mass numbers are in the ratio 2:1. Find the radius of the
रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो अब सपोज आपके पास एक हैबियन न्यूक्लियाई है जनरली 235, वो स्प्लिट हो रहा है किसमें, दो न्यूक्लियाइज में, जिनका मास रेशियो या मास नंबर्स किस रेशियो में दिया है, 2:1 में। अब जो नए जो आपके पास न्यूक्लियाई बन रहे हैं उनका आपको क्या निकालना है, रेडियाई निकालना है। इफ ए सपोज A1 एंड A2 आर द मास नंबर ऑफ द न्यू न्यूक्लियाई, देन दिस A1 इज 1/3 टाइम्स ऑफ दिस 235। सिमिलरली क्योंकि रेशियो 2:1 में है, अगर आप प्रोपोर्शन रेशियो में देखें तो A का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, सेकेंड का रेशियो 2/3 हो जाएगा। तो A2 को हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ 235। नाउ सिंपली द देयर फोर द रेडियाई ऑफ द न्यू न्यूक्लियाई आर R1, हम देख लेते हैं। दिस इज सिंपली यू कैन जस्ट सॉल्व इट, 1.4, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट, वी हैव जस्ट रिटन हियर 235/3 रेज टू पावर 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करें इसकी वैल्यू आएगी 5.59 फर्मी। एंड R2 जो दूसरा न्यूक्लियाई जो था उसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, दिस कम्स आउट टू बी अगेन 1.4 टाइम्स ऑफ दिस 2 × 235/3। 2/3 जो हमने लिखा था A2 के लिए उसका मास नंबर हमने यूटिलाइज किया, पावर 1/3। इट इज ऑल्सो अपेयरिंग इन ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो इट कम्स आउट टू बी 7.55 फर्मी। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो दिस इज बाय द प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज क्वेश्चन इन वेरियस टाइप ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।